सो देखिए, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता ही आता है ट्रायंगल का। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी इज लाइज ऑन बी सी सच दैट 2DB इज इक्वल टू 3CD, प्रूव दैट 5AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स में पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या बोला, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ये कैसा ट्रायंगल है इन्होंने ये नहीं बोला है, इसी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं ए है, ये बी है, ये सी है। बोला है कि जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये D हो जाएगा। AD जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ठीक है, अब देखो जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर वे में। सबसे पहले ये बोला था कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, मैंने फिगर से भी दिखा दिया। उसके बाद और क्या गिवन था, कि जो 2DB है वो किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है 5AB स्क्वायर इक्वल टू 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ करना है सारा खेल इसी के लिए है। अब देखो, सिंस हमें क्या दे रखा था, 2DB किसके इक्वल है, 3CD के इक्वल है। ठीक है, अब मेन लॉजिक क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का तो यूज़ होना ही होना है, ये हमें पता लग गया। ए बी किधर है आपका, देखो इधर ए बी है, ये चाहिए होगा, ये वाला भी चाहिए ए सी, और मेरे को ये बी सी भी चाहिए। अच्छा, इसके लिए मेरे को पूरा बात करना है, चलो ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, डी बी इक्वल 3CD है, तो मैं डी बी अपॉन सी डी इधर क्या हो जाएगा, 3/2, इसका जो रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यही मेरा की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इसी से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, यही मेरा की है। और मैं जब भी अपॉन हो रेशियो वाले चीज़ आती है तो उसको हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, एक्स के फॉर्म में कंसिडर करना चाहिए, तो मैं भी यही करूँगा। लेट कि जो हमारा डी बी है उसको मैं बोल देता हूँ 3x है, जो हमारा सी डी है उसको मैं बोल देता हूँ 2x है। इट्स इम्प्लाइज जो मेरा बी सी होगा, देखो ये बी डी है, ये डी सी है, तो ये जो मेरा बी सी होगा वो क्या होगा, बी डी प्लस डी सी, वो किसके इक्वल होगा, यानी कि 3x प्लस 2x, यानी कि जो मेरा बी सी है वो कितना है मेरे पास, 5x। यहाँ तक आ गए आपको समझ में पक्का। अब देखो ट्राइंगल पे आ जाओ, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इन ट्राइंगल, कौन सा ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, क्योंकि यहाँ पर 90 है तो इधर भी 90 होगा, और 90 है तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इधर क्या है, ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर होगा, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज़ें। अब देखो डी बी की वैल्यू हमें पता है, डी बी की वैल्यू कितनी है, 3x, तो 3x मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, सो मेरे को यहाँ क्या मिल जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, इधर क्या है मेरे पास, ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक आ गया, अब देखो ए बी स्क्वायर में मेरे को क्या चाहिए, 5 चाहिए, 5 तो इधर आ नहीं रहे, मेरे को क्या करना है, 5 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा 5AB स्क्वायर 5AD स्क्वायर और 5 45x स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को आंसर में ए सी चाहिए बी सी चाहिए, इधर तो ए डी आ रहा है एक्स आ रहा है, ये तो मेरे को नहीं चाहिए था, चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 45 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, सो दिस कैन बी रिटन एज 5AD स्क्वायर इक्वल टू 5AB स्क्वायर माइनस के 45x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको,
नहीं है। ये जो रूल मैंने अप्लाई किया था मैंने किधर किया था, इस वाले ट्रायंगल पर, ठीक है। अब मैं जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा मैं इस वाले ट्रायंगल पर अप्लाई करूँगा, ठीक है, और फिर कंपैरिजन करके देखते हैं क्या हो पाता है, क्योंकि मेरे को आंसर में एसी भी चाहिए, एसी तो मेरे को ऐसे नहीं मिलेगा ना। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी डी हमारे पास पता है, सी डी अपन के पास कितना है 2x, सो मैं यहाँ पर सी डी की जगह पर 2x रखूँगा, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आगे कैलकुलेट करते हैं हमें क्या मिला, देखो एक्चुअली हमें मिला है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। प्रूफ पे आ जाओ, ए सी में कितना है, देखो 5 की मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 है नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 ए डी स्क्वायर 25x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी मैं उधर भी 5 ए डी स्क्वायर आया था, सो इट्स सिंप्लाइज 5 ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5 ए सी स्क्वायर माइनस के 20x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी 5 ए डी स्क्वायर समथिंग आया था, इसमें भी 5 ए डी स्क्वायर आया है, तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, कंपेरिजन कर दो, ठीक है। सो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो मैं ले दूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, सो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 ए बी स्क्वायर माइनस 45x स्क्वायर था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 ए बी स्क्वायर इधर चाहिए था आपको, ठीक है, और ये नेगेटिव को उधर आके ला जाएगा पॉजिटिव का, सो 45 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 25x स्क्वायर, ठीक है। अब 25 को आप कैसे ले सकते हो, 25 को ले सकते हो आप 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 5x को आपने क्या लेट किया था, बी सी, और आपको प्रूफ में क्या चाहिए, बी सी दिख रहा है ना, सिंस बी सी इक्वल टू 5x, यहाँ रख दो बी सी, ठीक है। सो आपको मिल जाएगा 5 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करो, ताकि मैं आपको लिए एक ऐसी वीडियो लगातार बनाता रहूँ, मोटिवेशन मिले मेरे को, और आपकी जो भी डिमांडिंग क्वेरीज हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर लीजिए बेटर प्रिपरेशन के लिए, और देखो मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है पूरी, जिसकी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आरडी भी शुरू करने वाला हूँ मैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करने वाला हूँ, और प्रीवियस के क्वेश्चंस करा ही रखे हैं, और भी कर रहे हैं, सैम्पल पर करा रखा हूँ, और भी करेंगे लेटेस्ट वाले, ठीक है। इन सबको देखो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और मैथ से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझे आपका सपोर्ट, और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9149220480। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।